दोस्तों अगर आप पढ़ाई कर करके परेशान हो गए हो, आपके मन चाहे परसेंटेज नहीं आ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो और आपके मन मुताबिक परसेंटेज नहीं आ रहे हैं, आप एग्जाम में फेल हो रहे हो या कि पास होने के लाले पड़ रहे हैं, बड़े मुश्किल से पास कर पा रहे हो, टारगेट रहता है 80%, 85%, 90% लाने का और यहाँ पास होने के लाले पड़ जाते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पढ़ाई करने का शॉर्टकट तरीका। जी हाँ दोस्तों, मैं सही तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ शॉर्टकट तरीका। देखिए दोस्तों, कोई भी तरीका सही या गलत नहीं होता, बात होती है प्रायोरिटी की। आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, शॉर्टकट तरीका या सही तरीका? अगर आपको शॉर्टकट तरीका चाहिए तो आपके लिए वो सही है, अगर आपको सही तरीका चाहिए तो आपके लिए वो सही है। दोस्तों जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप शॉर्टकट तरीका अपना सकते हो पढ़ाई करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैश मनिहार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बनाई वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी बनाई वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना ज्यादा ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप पढ़ाई करते हो, अगर आप किसी भी बोर्ड में हो, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, सीजी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, इवन आईएससी बोर्ड हो, दोस्तों आप परेशान हो चुके होंगे कि यार मैं टारगेट इतना करता हूँ और मेरे परसेंटेज नहीं आ पाते। काश कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका मिल जाए कि मैं कम मेहनत पे ज्यादा परसेंटेज ला पाऊं। तो जी हाँ दोस्तों, आज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप शॉर्टकट तरीका अपना करके बहुत अच्छे परसेंटेज ला सकते हो, बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। बट दोस्तों मैं इसका एक सिर्फ और सिर्फ एक डिसएडवांटेज बता दूं, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कंपटीशन क्रैक करने के लिए। बट दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपके इस साल आपकी प्रेजेंट क्लास में 11th, 12th, 9th, 8th जिस पे भी आप हो, आपके मन चाहे परसेंटेज आ जाएंगे इस तरीके की बदौलत। जी हाँ दोस्तों, शॉर्टकट तरीका। तो चलिए दोस्तों मैं उसके बारे में बताना आपको स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, जब भी आप कोई एग्जाम देने जाते हो तो 2000 मीन समझ लीजिए 2017, 2016 टू 2015 में क्वेश्चंस आए हुए होते हैं। जब आपका एग्जाम पास आता है तो आप पूरी तैयारी करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी देखते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखते हो, उन चीजों को रिवाइज करते हो और एग्जाम देने जाते हो। तब आप देखते हो दोस्तों कि उन्हीं क्वेश्चन पेपर में से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट आपने बहुत अच्छा रिवाइज नहीं किया तो आपके परसेंटेज नहीं आए। तब आपको ये फील होता है यार काश मैं इन्हीं चीजों को काफी पहले से पढ़ रहा होता। बस दोस्तों यही एक शॉर्टकट तरीका है। आपको करना क्या है, जैसे ही आपकी स्कूल स्टार्ट हो, जैसे ही आपकी नई क्लास स्टार्ट हो, बस आपको प्रीवियस ईयर शॉर्टकट बुक लेकर के आनी है। जी हाँ दोस्तों, हर स्कूल में मीन्स क्या होता है दोस्तों, हर बोर्ड में एक शॉर्टकट बुक होती है जो सिक्स मीन्स हाफ ईयरली के बाद में लॉन्च हुआ करती है। उसको करना क्या है दोस्तों, जैसे ही आप न्यू क्लास में जाओ, आपको वो हाफ ईयरली के बाद में आने वाली बुक्स सेकेंड हैंड मार्केट से ले लेनी है। आपको सेकेंड हैंड बुक्स स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी, बट न्यू बुक जो है दोस्तों वो हाफ ईयरली के बाद मिलेगी। तो आपको सेकेंड हैंड बुक लेकर के आनी है। उस पे करना क्या है दोस्तों, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर पिछले पांच साल के जो भी क्वेश्चंस हैं, जिस भी चैप्टर से हैं, आपको करना क्या है कि जैसे आपको मान लीजिए पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, इसमें करना क्या है दोस्तों, आपको सारा क्वेश्चंस पेपर देखना है, सारे क्वेश्चन पेपर देखना है और उन क्वेश्चन पेपर में ये देखना है दोस्तों कि इस चैप्टर से मीन्स फर्स्ट चैप्टर से और सेकेंड चैप्टर से और थर्ड चैप्टर से, ऐसा करते हुए सारे चैप्टर्स में से कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, यानी कि फर्स्ट चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया, सेकंड चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया, थर्ड चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया। और आपको दोस्तों लेना है एक रेड मार्कर। जी हाँ दोस्तों, रेड मार्कर। अब आपको अपनी बुक्स में उस सारे क्वेश्चंस को मार्क कर लेने कि यार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे में होगा क्या दोस्तों, जब भी आप स्कूल जाओगे, जब भी आप कोचिंग जाओगे, जब भी आप ट्यूशन क्लास जाओगे, तो जब भी वो क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे, जब आप उस चैप्टर में जाओगे, आपके टीचर उस चैप्टर में जाएंगे और जैसे ही वो उस क्वेश्चन पे आएंगे तो आपका ध्यान एकदम अटेंशन हो जाएगा दोस्तों, एकदम आप सतर्क हो जाओगे यार ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, थोड़ा देख लूं कि ये कैसे चल रहा। दोस्तों आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं कि क्लास
में पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना हुआ रहता। ऐसे में होता क्या है दोस्तों कि हमसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। दोस्तों ऐसे में क्या होगा, जब आप क्वेश्चन मार्क कर लोगे तो जैसे ही आपके टीचर उस क्वेश्चन पर आएंगे तो आपका ध्यान अपने आप एकदम अटेंशन हो जाएगा, आप एकदम कॉन्सेंट्रेट कर लोगे, यार तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, चलो इसको अच्छे से देख लेते हैं। और वही आपकी तैयारी होती चली जाएगी और जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो आपके पास सारा क्वालिटी कंटेंट आपके पास होगा, सब कुछ सारे क्वेश्चंस के आंसर जो एग्जाम में आने वाले हैं वो आपके पास होंगे और आप बहुत ही इजीली तरीके से 90% मार दोगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यही एक शॉर्टकट तरीका है जिसकी मदद से आप अपने एग्जाम में किसी भी क्लास में मोर देन 90% मार सकते हो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों से मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।